लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने पीटा था। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक योगेश वर्मा शराब पिए हुए थे, उन्होंने मुझे धक्का दिया और उन्होंने बताया कि वो बीजेपी महिला मोर्चा की जिला प्रभारी हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। इस झटके का असर यूपी उपचुनाव के लिए नहीं बल्कि रालोद के आगे के प्लान पर भी पड़ सकता है। पार्टी का प्लान है कि वो महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू लगातार अपना पांव पसार रहा है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस आए दिन देखने को मिल रहे हैं। अब तक डेंगू के मरीजों की बात करें तो डेंगू के मरीजों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं बुधवार को 54 मरीज डेंगू के मिले हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया का भी एक नया मरीज बुधवार को पाया गया। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के सियासी समीकरण में बड़े बदलाव हुए हैं। लंबे समय से बीजेपी इस सीट पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 12,000 वोटों से इस सीट पर हार की मार झेल चुकी है। लेकिन क्या इस बार सपा की पारंपरिक सीट सीसामऊ विधानसभा, जो पिछले 30 सालों से सोलंकी परिवार के पास है, फिर से अपना किला बचा पाएगी? नवरात्र में सप्तमी के दिन कूड़ा निस्तारण प्लांट का भूमि पूजन किया गया। इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। परीक्षितगढ़ रोड के गावड़ी में ये कूड़ा निस्तारण प्लांट लगेगा। दरअसल मेरठ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच इस प्लांट को लेकर करार हुआ है। भूमि पूजन के लिए बड़ा पंडाल लगाया गया और शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है। हाथरस कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के सामने गुरुवार को स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण साकार हरि की पेशी हुई। वो विधायक बाबूराम पासवान की भाजपा विधायक लिखी गाड़ी में बैठकर भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान लखनऊ के हजरतगंज सचिवालय में बने न्यायिक आयोग के दफ्तर के अंदर बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। भोले बाबा की पेशी के दौरान विधायक बाबूराम पासवान भी उनके साथ रहे। बरेली के हाईवे अधिग्रहण घोटाले में तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत करीब 15 और कर्मचारी निलंबित किए जाएंगे। शासन ने राजस्व परिषद और डीएम को कार्रवाई के लिए फाइल भेज दी है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में सभी दोषियों को निलंबित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। वृंदावन के संत प्रेमानंद द्वारा राधा कुंड में लोगों को नोट बांटने के मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने डीएम से शिकायत की है। उन्होंने संत पर आरोप लगाया कि भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने लोगों को रुपए बांटे हैं। हालांकि उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने साधु संतों को दक्षिणा दी थी। मेरठ के दौराला सहकारी गन्ना समिति में डायरेक्टर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दौराला में फॉर्म न मिलने से नाराज एक व्यक्ति टावर पर चढ़ गया और उसे नीचे उतारने में पुलिस के पसीने छूट गए।